मगनी सा कैसे हो आप सब। बहुत स्वागत है आपका मेरे आज के न्यू ब्लॉग में। और बस बच्चों को स्कूल भेजा है और आज है 3 तारीख और नवरात्रा स्थापना। तो आप सभी को नवरात्रा स्थापना की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी आप सभी के घर सुख समृद्धि लेके आए। और बस अभी मैं उठी थी, उठने के बाद मैं जल्दी उठ गई थी तो किचन में थोड़ा सा सेट कर रही थी सामान वगैरह। वो किचन के डिब्बे ऐसे थोड़े हो गए थे तो मैं कि चलो इनको भी कर देती हूँ सारा करके। और फिर बच्चों का लंच बनाया, उनको स्कूल भेजा है और अब वो चले गए स्कूल। तो अब मैं अब थोड़े जो बर्तन वगैरह है वो साफ करूँगी और सारा करके फिर पूजा देखो कब करते हैं। और आज क्या बच्चों की छुट्टी नहीं है तो मेरे क्या वंशु को और मिष्टी को ऐसे रहता है कि पूजा करने में तो थोड़ा है उनको ना। तो वंशु बोल रहा था कि मम्मा आप ना 11 बजे तक लेने भेज देना और पूजा मत करना, बोले वेट करना मेरा। मैंने बोला मैं कि बेटा तेरा क्या वेट करेंगे, मैं कि स्कूल में जा रहा है तो क्योंकि पूजा कर लेंगे। तो बोले नहीं, तो यार बच्चों की छुट्टी होती तो अच्छा रहता, साथ में पूजा वगैरह करते, लेकिन अब छुट्टी नहीं है तो क्या करें। तो बस उनके मंशु के पापा सारी अलमारी पूरी एकदम सही तरीके से सेट कर दी थी और इधर का जो ऐसे फालतू सामान था वो मैंने निकाल दिया इन प्याज का। तो मैं एक बार इनमें से जो ऐसे सही सही है वो निकाल दूंगी। मैंने प्याज तो इतने ले लिए लेकिन है ना इनको रखने की जगह नहीं है। इनको 10 या 15 दिन में ना वापस देते, 10 दिन में देखना पड़ता है क्योंकि प्याज में चिट्टी लग जाती है, नीचे पड़े रहते हैं यहाँ तो इनमें चिट्टी हो जाती है। तो गाइस देखो इसमें भर दिया मैंने पूरे प्याज ये, और इधर देखो ये इतना सारा कचरा और ये 2-4 प्याज खराब भी हो गए थे। तो चलो अभी इसको भी कट्टे को भी धो के ऊपर रख के आऊँगी और ये बाल्टी में बाहर डस्टबिन में डाल के आ जाऊँगी। इस काम तो ऐसे ही चलता रहेगा। मैं पी लेती हूँ पहले नारियल पानी, मेरा चाय पीने की हो रही थी कि वंशु के पापा आ जाए तो चाय और बना लूँ एक बार, लेकिन वो पता नहीं कब आएंगे। मैं कि जब तक मैं ये पी लेती हूँ फिर बाद में वो बोलेंगे तो चाय बना दूँगी, नहीं तो फिर इतना ज़रूरी नहीं है। फास्ट है ना आज इसलिए, नहीं तो दूसरी बार कभी चाय पीते भी नहीं है। तो चलो ये पीती हूँ पहले, नहीं पीऊँगी ना फिर बोलेंगे मैं तो ला के रखता हूँ पीते नहीं हो, ख़राब कर देते हो। तो फिर मैंने सोचा मैं कि यार काम तो फ्री होने वाले नहीं है कि अपन सोचे कि काम से फ्री हो के फिर पियेंगे फिर खाएंगे, मैं कि काम के साथ साथ ही सारे काम करते जाओ। तो चलो गाइस पी के फिर मिलती हूँ मैं आपसे।
हटो ले यार। हेलो हाय, पूरा जगह साफ कर लेगी ठेर तक। बढ़िया है तो काम करना। हुकुम बिस्मिल्लाह। नहीं बिस्राओ वो तो बोल रहा है, दूसरा ही तो मत बोल बिस्रावा। जैसे पूरा बिखेरा करवा दिया इधर का किचन का, तो मैंने बिखेरा कर दिया था। और उधर इसके पापा ने वो करे ना, उससे सारे हो गए। अब सारा करूँगी, टाइम लगेगा मेरे को बहुत। चलो करते हैं। और ये फ्रिज ना इधर से इधर इसलिए लगवाया क्योंकि बोले पूजा करेंगे तो बैठने में थोड़ी दिक्कत नहीं आए, इस वजह से। चलो गाइस मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद में। देखो ये बच्चों ने खराब कर दी पूरी दीवार, तो इसके पापा ने भी उतारा यहाँ से, कुछ लिख दिया था यहाँ। तो हमारी सफाई तो अभी चल ही रही है, और आज तो बहुत हेलावड़ा कर दिया हमने। सारी सफाई करूँगी फिर पूजा करा करूँगी। सारी ये साफ कर दी, ऊपर से जाले वगैरह हटा के पूरा साफ कर दिया। तो गाइस आज पूरी ये साफ कर दी और पट्टे वगैरह सब साफ कर दी, और फ्रिज इधर से हटाई दिया। अब यहाँ से ये करके, ये सेट करके फिर झाड़ू लगाऊंगी। तो वंशु के पापा ने बोला चाय बना लो। तो गाइस करते करते 10 तो बज गई। सफाई करते हैं जब यार टाइम लग जाता है, तो फिर मैं कि चाय बना लेते हैं, एक बार चाय पी लेते हैं फिर उसके बाद में। अब तो फिर भी हो गया थोड़ा बहुत और बचा है, लेकिन फिर भी इसमें भी 1-1.5 घंटा तो और लग जाएगा क्योंकि झाड़ू लगाऊंगी, पोछा लगाऊंगी, और ये जो सामान ऐसे बिखर रहा है उनको सेट करूँगी, तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैं कि यार एक बार चाय पीते हैं। तो चलो मैं चाय बना रही हूँ, और देखो कैसे वो चुन्नी डाल रखी है मैंने, क्योंकि झाड़ू ये डस्टिंग हो रही थी ना, इसलिए सिर में हो जाती है।